तो गाइस यार स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। अगर आपको जानना है कि बचपन में दो बूंद पोलियो की जगह चार बूंद पड़ जाए तो क्या होता है, यहाँ वहाँ से कपड़े काट के पहनने वाले को अगर फैशन इन्फ्लुएंसर बना दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो आपको पता चल जाएगा। और हाँ, आपको अगर पता नहीं किसी लाल चीज को दबाने से क्या होता है तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबा के देख सकते हो। गजब डूबीवाज आदमी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हमारी तरह ही बचपन में लेज कुरकुरे ये सब खरीदता था लेकिन खाता नहीं था। गरीबी के कारण नहीं, उसे अपने फ्यूचर की चिंता थी। नहीं, उसके पास कपड़ा नहीं था। लगता ही है पागल हो गया। विश्वास नहीं होता, देखो। मुझे सिर्फ एक चीज की फिक्र हो रही है, अगर किसी स्पाइसी कुरकुरे का पैकेट फटके इधर उधर कहीं लग जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये जो अजीब जानवर को आप लोगों ने देखा, इनका नाम है नील रनावत। क्या सोच रहे हो? वही, मुझे भी पहले वही लगा था कि कंगना रनावत का कहीं इससे कुछ कनेक्शन ना हो। सजा दी जाती है 10 हफ्ते की। अब इनका पेशा है अलग अलग चीजों को पहनना और उसे ड्रेस बताना और लड़की दिखना, जो कि ये दिखते नहीं। एक बार तो मैं मोंटी रॉय को लेकर सोच लूं, लेकिन ये राम राम भगवान माफ नहीं करेगा। आप लोगों ने आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रेस देखे होंगे, लेकिन कभी चारा ड्रेस देखा है? हाँ, चारा ड्रेस। अबे अकल से पैदल, सुखरमना काउ शाकाहारी होते हैं, वरना तेरा ड्रेस चबाते चबाते कब ऊपर जाके कुछ और चबा लेता और तू तेरे फैशन को कोसता रहता। You know what I mean. वैसे इसको शायद कुछ करता नहीं, क्योंकि दोनों में ही गोबर भरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके पेट में है और इसके दिमाग में। रॉयल स्टाइल नहीं, रॉयल पर्सनल। अब आप लोग तो जानते ही हो, बॉलीवुड का फैशन मतलब घर में जो भी मिले उसे पहन लो। अब नील ब्रो ने भी यही कॉपी किया। वैसे एक बात बताऊं, सोनम कपूर से अच्छा दिख रहा है बंदा। नहीं, तुम इस लड़के को छोड़ो, सोनम कपूर को ही ले लो। ये कोई ड्रेस है पहनने का? ये तो ड्रेस कम, वो खेत में जो है पंछी उड़ाने के लिए लगाते हैं ना, वो ज्यादा लग रहा है। नाम जानी ना तोर, अर रात जानी ना भोर, मन जाए रे चले जाए, प्रेम जानिए हाल मिला भी आए। छी, सेविंग तो कर लेता, कितना गंदा दिख रहा है दाढ़ी के साथ लिपस्टिक। अच्छा मेरे को एक बात बता, वो चेस्ट क्यों ढक के रखा है? अगर तू कुछ पहनता भी नहीं है तो वहां पर बंजर जमीन ही दिखनी है। अब इसका तुम लोग डबल मीनिंग मत निकालो। मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तू क्या, तेरा ये दाढ़ी और तेरा जंगल देख के सूत पुत्र ही तुझे रिजेक्ट कर देगा। और ये द्रौपदी कम द्रौपदा ज्यादा लग रहा है, मुझे तो 5 पांडव के बारे में सोच के तरस आ रहा है। अबे ये क्या देख लिया, ये इंसान है या एलियन है भाई, माथे पे क्या लगाया है? लेकिन यार जो भी कहो, इस ड्रेस में मुझे एक बात अच्छी लगी, इस ड्रेस को पहनने के बाद आपको बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद ही एक चलता फिरता बाथरूम लेके घूम रहे हो। बाल्टी पहन लिया, मतलब अनलिमिटेड डेटा मिला तो कुछ भी डाल दो इंटरनेट पे। मार्क जुकरबर्ग ने ये फेसबुक इंस्टा ये सब सोशल मीडिया नहीं बनाया है, कचरा पेटी बनाया है। इसके पास जो भी कचरा है सब यही डालो। इसको जब मैं पहली बार देखा यार, लिटरली बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि यार ये ना तो लड़की है ना ये मिडिल वाला है, ये साला लड़का है लेकिन देखो फेम के लिए क्या कर रहा है, और उसे मिल भी रहा है। क्या ही कर सकते हैं, अब रियलिटी यही है, जो कर रहा है करने दो। उसे लग रहा है कि उसे फेम मिल रहा है, लेकिन नहीं, उसे देख के लोग हंस रहे हैं। मतलब वो एंटरटेन वाला हंसना नहीं, उसे देख के लोग लिटरली जोकर समझ रहे हैं, लेकिन उसे ये कौन बताए। लेकिन यार जो भी हो, इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक हर वक्त डिस्क्रिप्शन पे ही रहता है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, बाय।